आधुनिकता के अतिवाद में अंधा हुआ हमारा मानवीय समाज लगातार पर्यावरण को नष्ट करता चला आ रहा है। इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हाल फिलहाल में देश दुनिया में आई बाढ़, बारिश और तूफानी चक्रवात इसके जीते जागते उदाहरण हैं। बीते कुछ दिनों से गुजरात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहले भयंकर बारिश, फिर बाढ़ और अब तूफान। गुजरात पर मानो प्राकृतिक आपदाओं का पहाड़ सा टूट पड़ा है। दरअसल IMD ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD की ओर से जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर चक्रवात बन रहा है। बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में आज हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात एक दुर्लभ मौसम का सामना करने जा रहा है। 80 साल में ये चौथी बार होने जा रहा है। ये होगा तो अरब सागर में, लेकिन असर पूरे गुजरात पर पड़ेगा। इसकी वजह से मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं। इस समय गुजरात में भयानक बारिश और बाढ़ की स्थिति है। ऐसे डीप डिप्रेशन की वजह से हुआ है। अब यही डिप्रेशन साइक्लोन में बदलने जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 80 सालों में ऐसा चौथी बार हो रहा है। ये रेयर इसीलिए है क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में बारिश हो रही है। अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है, यानी यही सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। 30 अगस्त यानी आज चक्रवाती तूफान अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में होगा। ये अपना असर कच्छ, सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में दिखाएगा। मतलब ये कि आज भी चक्रवाती तूफान की वजह से गुजरात में मौसम के प्रकोप से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसके बाद अगले 2 दिनों में ये धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात के हालात पहले से ही बेहद खराब हैं। राज्य में जलाशय, बांध और नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बीते 4 दिन में बाढ़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोगों को बचाया गया है। NDRF, SDRF के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं गुजरात के लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। IMD ने राज्य में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना जताई है। IMD ने सौराष्ट्र, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और द्वारका के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं राजकोट, जूनागढ़, मोरबी आदि जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की साइंटिस्ट सोमा सेन रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले 1944, 1964 और 1976 में इस तरह का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था, जब जमीन के ऊपर एक्टिव डीप डिप्रेशन यानी वेदर सिस्टम ने अरब सागर से गर्मी चुरा कर और भयानक रूप लिया था। समंदर के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल गया था। मौसम कार्यालय ने कहा कि 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान होगा। IMD के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जून से 30 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में 799 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इसी अवधि में सामान्य 430.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस अवधि में सामान्य से 86% अधिक वर्षा हुई। मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शुक्रवार तक पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। IMD ने कहा इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और आसपास के दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ने और रविवार तक पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में तब्दील होने की संभावना है। तो प्रकृति के प्रहार से एक बार फिर हाहाकार मचने वाला है। प्रशासनिक स्तर से लेकर सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। न जाने ये तूफान अपने साथ कितनी तबाही लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।